और तो निभाई नहीं है, किस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ही ने लड़ी है। 9,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 9,000 मुकदमे हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी तक पे मुकदमे हैं, लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। ये मक्खन खा चुके हैं यूपी का। अब ये जैसे डूबता व्यक्ति बचने के लिए तिनके का सहारा ढूंढता है, वो हाल है आज या बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है। जब इसे चुनाव लड़ना होगा, सत्ता की बारी आएगी, तो ये निकल के दिखने लगेंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और जब जनता को इनकी जरूरत होगी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बंदी का काल हो, चाहे इकोनॉमी का काल हो, चाहे कोई आफत विपदा कुछ भी हो, तो ये बिलों में घुसे रहेंगे। ना सरकार दिखेगी, ना संगठन दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा, सत्ता के लिए सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन लोग समझ चुके हैं, जी, हर घर में लोग पीड़ित हुए हैं, हर परिवार के नात हित रिश्तेदारों ने, अपनों ने, जानने वालों ने खोया है, और उसमें सिर्फ सरकार की नाकामियों के बदौलत मैक्सिमम लोगों ने अपने परिजनों को खोया और दुख झेला, और आज भी कोरोना के और ब्लैक फंगस के दहशत में लोग जी रहे हैं। ना ठीक है। गैस ऑक्सीजन मिला, ना बेड मिला, ना अस्पताल मिला, ना मेडिकल सुविधाएं मिली, ना घाट मिले, क्या क्या करना पड़ा लोगों को। अंतकाल में भी नदियों में, नदियों के किनारे उसको भी छुपाने का प्रयास, कहा कि हमारे ये तकलीफ है, हमें ये चीजें मिल जानी चाहिए, उस पर मुकदमा। बीजेपी के विधायक मंत्री चिट्ठियां लिख रहे हैं, कहते हैं कि यदि मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर भी एनएसए लग जाएगा। ये बीजेपी के लोगों का खौफ है, ठीक है, आम इसका जवाब आदमियों प्रेम पे तो शुक्ला जी लगे हैं, देंगे, तमाम लेकिन उसके मुकदमे पहले लगे बाकी हैं, भी दोनों मेहमानों पत्रकारों की पे भी जल्दी लगे जल्दी, हैं। ठीक है, एक एक राय मैं ले लेती हूं, क्योंकि बीजेपी का ये तो मंथन चला है, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए क्या निकला? सतीश जी, आपके पास आते हुए सीधे, बीएसपी ने तो तमाम अलग अलग दलों के साथ सहयोग करके प्रयोग देख लिया और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। 2022 के लिए कहां पर खड़ी है मायावती की पार्टी इस वक्त? नहीं, देखिए, हमने लड़ी है, चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर लड़कों को भी लड़ी हो। नहीं, सामाजिक लड़ाई है वो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की जो हालात बीजेपी की सरकार में हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार पूर्ण रूप से नाकाम है, और जो ये मंथन चल रहा है, ये सत्ता प्राप्ति का मंथन है, ये सच्चाई है। लेकिन इसमें ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ये बीजेपी के जो जो कमियां हैं, जो सरकार के कुकर्म है, उनके ऊपर पर्दा डालने का एक तरीका है। और देखो चित्रा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि योगी जी को हटाया जाएगा, योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। पूरी बीजेपी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तरफ मोदी समर्थक है, एक तरफ योगी समर्थक है, दोनों का ओरिजिन अलग है। मोदी जी आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, जबकि योगी जी हिंदू महासभा से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का बंदरबांट है, और उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से कोरोना को लेकर के या तमाम कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पूर्ण रूप से नाकाम है, और उन नाकामियों से बचने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी